रायगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने ही सरकार की योजनाओं में मिट्टी पुलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल जूट मिल के गांधीनगर क्षेत्र स्थित सामुदायिक भवन में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क का शुभारंभ होना था, जिसके शुभारंभ के लिए जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, निगम कमिश्नर व महापौर सहित सभी आला अधिकारी कर्मचारी को स्थानीय लोगों ने विरोध के बाद बैरंग वापस लौटाना पड़ा। अपनी ही सरकार की योजनाओं की मिट्टी पलित करने में रायगढ़ के कांग्रेसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल आज जूट मिल के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक भवन में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क का शुभारंभ होना था। शासन के निर्देशानुसार आमजनों की सुविधा के लिए सभी वार्डों में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क की स्थापना की जानी है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना जिला प्रशासन को करना पड़ा। वह जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, निगम कमिश्नर व महापौर सहित सभी आला अधिकारी कर्मचारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बताना चाहेंगे कि स्थानीय विरोधकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की एक पदाधिकारी भी मौजूद रही। महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी करने वाली अनिता ओगरे, जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं, अपनी स्थानीय ताकत दिखाने में इतना भूल गए कि वह उसी कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी है। सत्ता पाने की ऐसी चाह की न ही अपने उच्च पदाधिकारियों से कोई चर्चा ली गई, न ही कोई जानकारी दी गई। इस विषय में जब हमने पार्टी की महिला पदाधिकारी से बात की तो बताया कि कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विरोध की जानकारी जिला अध्यक्ष या रायगढ़ विधायक को नहीं दी है। जबकि इस पूरे मामले को देखा जाए तो यह पूरी तरह से साफ है कि आदिम जाति बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से आने वाले महापौर चुनाव की दावेदारी पक्की करने के उद्देश्य से ही यह विरोध प्रदर्शन प्रायोजित किया गया था। कि आज हमें पता चला कि वार्ड कार्यालय खुलना है, लेकिन चयन में सामुदायिक भवन ही नजर आया तो इसके सख्त मैं भी खिलाफ हूँ, क्योंकि समाज के लिए एक ऐसा सामुदायिक भवन बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों का सामना करके बनाया गया है, जिसमें वार्ड वासियों का जनहित कार्य, जैसे दुख सुख का भी कार्य है, शादी बर बिहा, कुछ पार्टी फंक्शन, इन सभी कार्यों में उपयोगित है। तो इसको देखते हुए इस जगह के अतिरिक्त अगर प्रशासन को कोई और जगह दिखता है, गांधीनगर में बहुत से जगह खाली हैं, उनमें वो अपना वार्ड कार्यालय के लिए महत्वपूर्ण योजना आज गांधी जयंती के दिन खास तौर पे भूपेश बघेल जी ने ऐलान किया था कि हर सब जगह अध्यक्ष बनेंगे। आप महिला कांग्रेस में होते हुए भी अगर इसका विरोध कहीं ना कहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी से भी विरोध कर रही हैं? नहीं, मेरा पार्टी से विरोध बिल्कुल ही नहीं है, ना प्रशासन की योजनाओं का विरोध नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक स्तर के उपयोग के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया है, खास तौर पे दुख सुख के लिए, तो दुख सुख के मामलों में उनका अहित ना हो, ऐसा प्रशासन से निवेदन है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सरकार जी से भी निवेदन है कि दलितों के विषय में सोचे, उनके उद्धार के विषय में सोचे और कोई नया जगह मार्ग ढूंढे और वहाँ स्थापित करे। आपको प्रबल दावेदार है अभी महापौर में महिला कांग्रेस, मान लीजिए अगर कहीं दिक्कतें आती हैं, कुछ बातें आती हैं और आपको अगर महापौर के रूप में नहीं होता, तो आपका आज आपके साथ जो भीड़ उजमी थी उसको देखकर ऐसा लगता है कि आप निर्दलीय भी बराबर अपना नाम कमा सकती हैं, तो ऐसा कुछ योजना बनाएंगे? नहीं, मैं पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के नेतृत्व में जो आदेश मुझे मिलेगा, अगर उनको लगता है मेरे से उपयुक्त उम्मीदवार है, तो उस स्थिति में, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्थापित होने के बाद में प्रथम अवसर महिलाओं को मिला है और इस अवसर को हम बिल्कुल भी किसी हालत में चुकने नहीं देंगे, अगर पार्टी मेरे से उपयुक्त उम्मीदवार कैंडिडेट लाती है तो मैं बिल्कुल संगठन और कांग्रेस के साथ दूंगी और उस महिला को आगे बढ़ाने की पूरा कोशिश करूंगी। चूँकि मैं महिला और मुझे नहीं मिला तो मैं एक दूसरे महिला का विरोध नहीं कर सकती, मैं उस महिला को धन जन बल जैसे भी लगाना पड़े मैं लगा के उसको महापौर की सीट कांग्रेस के झोली में डालना चाहूंगी। कार्यक्रम का विरोध का आपको खबर लगी तो आपने किसी से बात करी, जिला अध्यक्ष या आपके विधायक महोदय से आपने कुछ चर्चा किया कि ऐसा हो रहा है और लोग स्थानीय लोग विरोध करने वाले हैं? नहीं, आज जो दो ठो कार्यक्रम था, चूंकि प्रथम आज 150वीं महात्मा गांधी जयंती का रैली था, उसमें मेरे को शामिल होना जरूरी था, उसमें भी मैं शामिल हुई और वहाँ जाने से पहले मैं समाज में आई तो समाज में उतना समय इकट्ठा नहीं हुए थे, इसलिए फिर मैं वहाँ चली गई। वहाँ जैसे कार्यक्रम अपना दायित्व निभाई एक पार्टी की ओर से, उसके बाद फिर अपने समाज में आ गई, क्योंकि समाज को भी देखना है, इसे यहाँ भी अपना योगदान दी।
रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन 20।